बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब नवीर एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल्स। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंड्रोम के पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 जो है सिंड्रोम, ये इंग्लिश के पार्ट में सिंड्रोम के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, PTS का, NTS का, अगर आप एयरफोर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके टेस्ट के लिए, या कोई और भी कम्पिटेटिव टेस्ट है, तो उसके लिए ये सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे बहुत मोस्ट रिपीटेड सिंड्रोम्स जो कि कोई भी एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज पार्ट नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है, सिंड्रोम ऑफ वैग्रेंट इज ऑप्शन ए रोविंग, ऑप्शन बी स्टेबल, ऑप्शन सी ऑनर्ड, ऑप्शन डी स्टोबर्न। ऑप्शन ए रोविंग इज द सिंड्रोम ऑफ वैग्रेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंड्रोम्स है, सिंड्रोम्स ऑफ वेरी इज ऑप्शन ए हीडलेस, ऑप्शन बी निग्लिजेंट, ऑप्शन सी प्रूडेंट, ऑप्शन डी रेकलेस। ऑप्शन सी प्रूडेंट इज द सिंड्रोम ऑफ वेरी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है मेरे पास, सिंड्रोम ऑफ वेन इज ऑप्शन ए इम्प्लॉय, ऑप्शन बी डिक्लाइन, ऑप्शन सी राइज, ऑप्शन डी रिवाइव। सो ऑप्शन बी डिक्लाइन इज द सिंड्रोम ऑफ वेन। उसके बाद नेक्स्ट MCQs, सिंड्रोम ऑफ वेल्ड इज ऑप्शन ए अब्सटेन, ऑप्शन बी अवॉइड, ऑप्शन सी फोरगो, ऑप्शन डी एक्सर्ट। ऑप्शन डी एक्सर्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सिंड्रोम ऑफ कैटास्ट्रोफी इज ऑप्शन ए बिल्ट, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी फ्रैश। सो ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सिंड्रोम की तरफ आते हैं। द सिंड्रोम ऑफ डिसडेन इज ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी स्क्रॉन, ऑप्शन सी एक्सेप्ट, ऑप्शन डी ल्यूडाइट। सो ऑप्शन बी स्क्रॉन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सिंड्रोम की तरफ आते हैं। द सिंड्रोम ऑफ ऑब्स्टिनेट इज ऑब्स्टिनेट इज ऑप्शन ए एग्री, ऑप्शन बी स्क्रॉन, ऑप्शन सी स्टोबर्न, ऑप्शन बी सॉफ्ट। सो ऑप्शन सी स्टोबर्न इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs, द सिनोनिम ऑफ फ्रैगो इज ऑप्शन ए फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन बी अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर्स, ऑप्शन सी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन डी साइनोफिसिस। सो ऑप्शन बी अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर इज द सिनोनिम ऑफ फ्रैगो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सिनोनिम ऑफ स्नोली गोस्टर्स इज ऑप्शन ए अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियंस, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी ग्रेलियस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सिनोनिम ऑफ कंडोन इज ऑप्शन ए एक्सेप्ट, ऑप्शन बी एक्सेप्टेबल्स, ऑप्शन सी कंडोमन, ऑप्शन डी कंडोमन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट सिनोनिम है, द सिनोनिम ऑफ प्यूराइल इज ऑप्शन ए मैच्योर, ऑप्शन बी इमैच्योर, ऑप्शन सी प्योरिटी, ऑप्शन डी पावर। सो ऑप्शन बी इमैच्योर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ आते हैं। द सिनोनिम ऑफ अबेट इज ऑप्शन ए पोस्टपोन, ऑप्शन बी अबंडन, ऑप्शन सी डिसमिस, ऑप्शन डी इंक्रीज। सो ऑप्शन सी डिसमिस इज द डिस्पिनिश इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं. सिनोनिम ऑफ क्रोकोडाइल इज ऑप्शन ए अनप्लेजेंट, ऑप्शन बी प्लेजेंट, ऑप्शन सी हर्ट, ऑप्शन डी लव. सो ऑप्शन बी प्लेजेंट इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ आते हैं. सिनोनिम ऑफ कैजुअल इज ऑप्शन ए फ्लैटरी, ऑप्शन बी एम्बेजल, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी स्टेटिएट. ऑप्शन ए फ्लैटरली, फ्लैटरी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. द सिनोनिम ऑफ ट्रंप इज ऑप्शन ए विक्ट्री, ऑप्शन बी विक्टिम, ऑप्शन सी वायलेंस, ऑप्शन डी इट्स नेम ऑफ US प्रेसिडेंट. सो ऑप्शन ए विक्ट्री इज द सिनोनिम ऑफ ट्रंप. उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू शो हो रहा है यहाँ पे, सिनोनिम ऑफ हर्मेटिक्स इज ऑप्शन ए एयर टाइट, ऑप्शन बी इमिटेट, ऑप्शन सी अनसेटल्ड, ऑप्शन डी ओपन. सो ऑप्शन ए एयर टाइट इज द करेक्ट answers of these questions. उसके बाद जो next questions, synonym of sham is a fake, option b deplorables, option c pures, option d robust. option a fake is the correct answers. उसके बाद next question की तरफ आते हैं. the synonym of jingly, option a casually, ऑप्शन बी रिट्रोस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी हेरिटिकली, ऑप्शन डी केयरलेसली. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. द सिनोनिम ऑफ मीक, ऑप्शन ए टैम, ऑप्शन बी स्टिंगी, ऑप्शन सी जैब, ऑप्शन डी फरलाई. तो ऑप्शन ए टैम इज द करेक्ट answers. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. द सिनोनिम ऑफ गॉन्ट इज ऑप्शन ए वेटली, ऑप्शन बी बॉटनी, सो ऑप्शन सी फैटी, ऑप्शन डी बिग स्टेटमेंट. सो ऑप्शन बी बॉटनी इज द करेक्ट आंसर्स. सो व्यूअर्स, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें. और उसके बाद अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन नई वीडियो का आपको जल्दी से हासिल हो जाएगा और आप उस पर क्लिक करके नए वीडियो देख सकेंगे. सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो देखें और उससे फ़ायदा